से हायरिंग हो रही है जहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हायरिंग हो रही है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, आप लोग से शेयर किया था, बट मे बी आप लोग ने अप्लाई नहीं किया होगा। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हायरिंग हो रही है एंड यहाँ पर लोकेशन आपको मुंबई, बैंगलोर एंड पुणे मिलने वाला है। नहीं अभी तक अप्लाई किया तो फटाफट से अप्लाई कर लेना। अगर मैं यहाँ पर बैच बात करूँ तो अगर आप 2020 के, 2021 के या फिर 2022 के तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नहीं अप्लाई किया तो फटाफट से यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पर कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी यहाँ पर इतनी परसेंटेज होनी चाहिए तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक अप्लाई का बटन दिया रहता है जो कि मैंने अभी क्लिक किया, तो यहाँ पर इस तरह से आपको आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना रिज्यूम सेलेक्ट करना है। रिज्यूम अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर आपका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर लिख के सबमिट पर क्लिक कर देना है। इजी प्रोसेस है, नहीं अप्लाई किया तो फटाफट से अप्लाई कर लेना। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चेकआउट कर लीजिएगा। टीटी डेटा की तरफ से हायरिंग हो रही है जहाँ पर नॉन प्रोसेस बैंकिंग के लिए हायरिंग हो रही है। 2020, 2021 एंड 2022 बैच के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं अप्लाई किया तो फटाफट से अप्लाई कर लीजिएगा। बात करूँ आपकी क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपने बीकॉम किया है, बीबीए किया है, बीएमएस किया है, फिर बीए किया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आपके पास परसेंटेज कम है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। लोकेशन आपको यहाँ पर चेन्नई मिलने वाला है एंड नाइट शिफ्ट आपको यहाँ पर वर्क करना होगा। नहीं अप्लाई किया तो अप्लाई कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डीलो लाइट की तरफ से हायरिंग हो रही है जहाँ पे आपको रोल मिलने वाला है एनालिस्ट ट्रेनी। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर पासिंग ईयर बोला गया है 2023, तो अगर आप 2020 के हो या 2021 के हो या फिर 2022 के हो तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, बट येस अगर आप 2023 के हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बात करूँ यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है यानी कि बी बी टेक है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मास्टर डिग्री यानी कि एम ई एम टेक तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एम सी ए की डिग्री है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मैकेनिकल या सिविल से हो तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप सी एस आई टी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि आपका यहाँ पर जो पासिंग है 2023 जो कि मैंने बता दिया है, परसेंटेज की बात करूँ तो आपके पास 60% होना चाहिए जो कि 10-12 ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर हम सी जी पे में तो 6.5 सी जी पे होना चाहिए। परसेंटेज में अगर देखें तो 60% होना चाहिए जो कि आपके 10-12 ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ कि आपका यहाँ पर जो बैकलॉग है ना वो आपकी एक्टिव नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अप्लाई कैसे करना है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, चेकआउट कर लेना। यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करके रजिस्टर करना है। 10th January इसकी लास्ट डेट है तो उससे पहले ही आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले होने वाला है आपका रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पर रजिस्टर करोगे। आप जब रजिस्टर करोगे तो आपका जो रिज्यूम है वो शॉर्टलिस्ट होगा। शॉर्टलिस्ट होगा सिर्फ उन्हीं को ही आएगा ऑनलाइन एग्जाम के लिए, जिनका शॉर्टलिस्ट नहीं होगा उनको नहीं आएगा। उसके बाद से आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके बाद से जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नहीं अप्लाई किया तो फटाफट से अप्लाई कर लीजिएगा, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, चेकआउट कर लेना। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। बाय बाय।